उधर से जब हम आते हैं उज्जैन साइड तो काफ़ी कम टाउनशिप्स हैं। उसके दो तीन कारण हैं, ये हो सकते हैं। एक तो आपका रेवती रेंज यहाँ पर पड़ता है जो कि, और उसके बाद एक जेल है यहाँ पर, और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो इस कारण से राइट में आपको, जब आप उधर से आने में आप जब आओगे तो आपके लेफ्ट में आपको कम मिलेंगी टाउनशिप्स, और इधर वाले हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा टाउनशिप्स हैं। तो अब मैं यहाँ से आज स्टार्ट करता हूँ इस रोड को, और साई विहार कॉलोनी मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो यहाँ पर जाएंगे, भाव पता करेंगे और क्या मकान है, किस तरीके के रोड बने हुए हैं। और यहाँ से मैंने ये लिया है लेफ्ट, रोड अंदर होते से ही बने हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर फ़िलहाल। और ये रो हाउसेस कुछ बने हुए हैं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के। दोस्तों ये इस तरीके से मकान बने हुए हैं 1050 के, और इनका जो जो डिमांड है वो 16 लाख रुपए का है। ये भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये और भी इस तरीके से कुछ बने हुए हैं। ये सब 16 लाख रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अंदर का वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि 1050 में क्या किस तरीके की प्लानिंग होती है। और ये है लोकेशन, अभी रोड नहीं बना है यहाँ पर। ये टाउनशिप है और काफ़ी कम बजट की चीज़ है यहाँ पर, साई विहार नाम है, और एकदम रोड से लगी हुई है। सामने आप ये रोड देख रहे हैं, उज्जैन वाला बाईपास वाला रोड, उज्जैन रोड है ये, और एकदम रोड से लगी हुई टाउनशिप है। और साइज़ यहाँ पर आपको एक, मैंने एक प्लॉट देखा है वहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो 10x38 भी मिल रहा है, और वो करीब 12-13 लाख रुपए के आसपास में आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस टाउनशिप में। तो ये है छोटी सी टाउनशिप इस उज्जैन रोड की, फर्स्ट नाम है इसका साई विहार कॉलोनी। इन नंबरों से आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं थोड़ा और आगे निकलता हूँ। कहाँ है ये टाउनशिप आपकी? टाउनशिप कहाँ है? अंदर इधर जाएंगे 700 मीटर। ये पहाड़ी पे है क्या? पहाड़ी पे। क्या भाव है वहाँ पे? सर भाव 1406 रुपये पर स्क्वायर फीट के चल रहा है। कंस्ट्रक्शन है मतलब बिल्डिंग परमिशन है? बिल्डिंग परमिशन है, आज आप ले सकते हैं कल बना भी सकते हैं। है अच्छा, 700 मीटर अंदर जाना है? रोड देख रहे हैं? हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बना बनाया मकान मिल जाएगा? हाँ बना बनाया ऑन डिमांड बनवाते हैं, यानी कि हम लोग टाइम लेकर कंस्ट्रक्शन ऑन डिमांड कर देते हैं। इधर अंदर ही जाएंगे ना, इधर से ही जाने का रास्ता है? 500 मीटर डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है, 500-600 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है मैं होके आता हूँ अंदर। तो अभी मैं एक जो टाउनशिप है यहाँ पर जा रहा हूँ अंदर, और 1400 का रेट है, 500 मीटर अंदर है। ये भी एकदम रोड से लगी हुई है और एकदम हील पे है। सामने आप बहुत सुंदर सी हील देख पा रहे हैं। ये धर्मपुरी गांव लगता है, धर्मपुरी वाला एरिया, और 1300-1400-1500 की रेंज है। यदि आप में से कोई चाहता है 1BHK मकान तो 15 और 16 लाख के बीच में आपको यहां पर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और ये आ गई है टाउनशिप, नाम है इसका साकार हिल्स। 1400 का भाव है यहाँ पर। अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड बन रहे हैं, कुछ बन भी चुके हैं, गार्डन भी डेवलप्ड हो चुका है, और बिल्डिंग परमिशन उन्होंने बताया है यहाँ पर, और ऐसे कोई मकान मुझे बनते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं अभी। साकार हिल्स नाम है इसका। ये है एक्चुअल यहाँ की अभी कंडीशन। ये इस तरीके से पोल अभी बाकी हैं यहाँ पर लगना, कुछ लग चुके हैं कुछ बाकी हैं। इस तरीके साइड में पेवर्स लगना भी बाकी है यहाँ पर,
और रोड आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक है, और इनर रोड जो है वो भी ठीक है। कुछ ये खेत है अभी यहाँ पर, तो ये भी इन फ्यूचर में इनके अंडर में हो सकता है। यहाँ पर पानी की तो आई थिंक अवेलेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर, और शायद कैमरे के थ्रू आप देख पा रहे होंगे या नहीं, पर ये सामने उज्जैन रोड आपको दिख जाएगा। और अब मैं वापस जा रहा हूँ उज्जैन रोड तरफ ही। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि ये वाला जो रोड है अभी, ये एक ही रोड चालू है और ये वाला भी बन सकता है, तो ये डबल साइडेड रोड है आपका इस टाउनशिप को जाने के लिए, तो कनेक्टिविटी बेहतर है ये मैं बोल सकता हूँ इस टाउनशिप में। और ये साकार हिल्स को देखने के बाद वापस उज्जैन वाले रोड पर, ये है यहाँ पर सेंट्रल जेल सामने, और उसके जस्ट सामने की साइड आती है श्री कृष्णा इंक्लेव। तो यहाँ पर थोड़ा सा घूम के आते हैं श्री कृष्णा में, और क्या भाव है प्लॉट के पता करते हैं। और ये एक एंट्रेंस गेट है यहाँ पर, ठीक ठाक तरीके से बना हुआ है, परिवार रह रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा मार्केट भी है। और इस एरिया की अभी तक की मुझे एक सबसे व्यवस्थित टाउनशिप मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ। एकदम रोड से लगी हुई है ये, और मार्केट भी ठीक ठाक है, और ये बहुत ही सुंदर सा एक शानदार सा बड़ा सर्कल बना हुआ है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है बीच में। श्री कृष्ण इनक्लेव नाम है इसका। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाव पता करते हैं रेट कि क्या हो सकता है। और मकान जो है मुझे छोटे साइज़ में बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, 10-50 और 11 और 12 फ्रंट वाले मुझे यहाँ पर ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। गार्डन सामने अच्छा बड़ा है गार्डन भी, और अभी तक ऐसे कोई बड़ा साइज़ का मकान मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ये इस तरीके से बने हुए हैं। और ये इसके बैक साइड का एरिया है, अभी यहाँ पर मकान बने हुए नहीं हैं, पर रोड वगैरह ठीक ठाक बने हुए हैं। और अब मैं वापस टर्न लेता हूँ, और यदि कोई मकान दिखते हैं, मैं मकान के वीडियो इसलिए कम अपलोड करता हूँ क्योंकि जो एक रेंज होती है 10-50 का जो मकान होता है वो हम सबको पता है कि उसकी प्लानिंग किस तरीके से होती है। एक फ्रंट में एक हॉल रहेगा, फिर किचन रहेगा, फिर आपका वॉश एरिया, और फिर आपका मास्टर बेडरूम। और यही कारण होता है कि ये एक सिंपल सा प्लान होता है, चाहे हम 12-50 की बात करें या 11-50, 11-40 इन सब की बात करें, तो उनकी प्लानिंग लगभग सेम ही होती है। तो यहाँ पर भी भाव सेम है, और जो 1300-1400 की जो रेंज है वो यहाँ पर है, आपको एंड में 1300-1400 की रेंज मिल जाएगी देखने को यहाँ पर। और जो रो हाउस जो है वो यहाँ पर है 18 लाख रुपए का, 10-50 में आपको देखने को मिलेगा। और अब मैं वापस उज्जैन रोड तरफ आगे की ओर, श्री कृष्णा इनक्लेव अभी हम लोगों ने देखा, ये काफ़ी बड़ी, ये वाले एरिया की काफ़ी बड़ी टाउनशिप है ये, और रोड से एकदम लगी हुई है। पर आपको यहाँ पर बड़ा साइज़ नहीं मिलेगा मुझे अभी तक, हो सकता है किसी कोने में हो एक 20-50 का भी, पर मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा 10-50 की भरमार दिखती है। और यदि आप में से किसी की रिक्वायरमेंट है 10-50, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सामने ये जेल है यहाँ पर बनी हुई, ये लोकेशन है इस टाउनशिप की। और आगे है तनिष्क कॉरिडोर नाम है टाउनशिप का, और प्लॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप नंबर देख लीजिए, अगर आपको किसी को बात करनी हो तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं यहाँ पर।
और फिलहाल मेरे साथ चलिए ये टाउनशिप को एक हल्का सा राउंड मार के आते हैं। क्या है यहाँ पर तनिष्क के कॉरिडोर में, और गेट के ऊपर काफ़ी अच्छा खर्चा किया है इन लोगों ने। एक ये सामने पानी की टंकी भी है, बहुत छोटा सा एक गार्डन है और बहुत सारा काम अभी बाकी है यहाँ पर। तनिष्क कॉरिडोर, और जो रोड का साइज़ जो होना चाहिए था मेन रोड का, वो बहुत कम लग रहा है मुझे यहाँ। तो ठीक ठाक है ये भी, और सेंट्रल जेल का जो गेट है एकदम ठीक सामने है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से एक कैनोपी दिखी मुझे, नाम है सिग्नेचर पार्क। भैया क्या भाव है सिग्नेचर पार्क में? सब ये क्या कैमरा है? हाँ कैमरा है। 1500 किधर आती है ये? आगे से अंदर की साइड रास्ता। कितना अंदर पड़ेगा? 1.25 किलोमीटर। बिल्डिंग परमिशन है? बिल्डिंग परमिशन। अच्छा 90% पूरा माल ले लो। अच्छा मेरा अप्रूव है, TNCB डाइवर्सन विकास अनुमति, पूरा लीगल प्रोजेक्ट, पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण कर लीजिए। जी जी, सबसे कम रेट में हम भी दे रहे हैं और फुल डेवलप। 1525 में? 1525 रुपये का भाव है यहाँ पे सिग्नेचर पार्क। यहाँ से अंदर जाते हैं और करीब 1.5 किलोमीटर बताया है उन्होंने मुझे, तो देखते हैं चल के क्या कंडीशन है 1525 रुपये का जो प्लॉट है उसकी। रोड जो है आपको यही वाला मिलेगा, इस तरीके का रोड है, फिर भी हाँ रोड तो है, एटलीस्ट हम जा सकते हैं, इतना ख़राब रोड नहीं है। और ये इधर के एरिया की सबसे फेमस श्रीराम स्कूल, और इस स्कूल के बाद में भी रोड ठीक ठाक है। और ये रही सामने यहाँ पर सिग्नेचर पार्क। रोड से थोड़ा सा जब हम आते हैं तो ऐसा दूर थोड़ा सा लगता है, पर हाँ ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर चाहता है आप में से कोई, तो यहाँ पर एक ये एक ऑप्शन हो सकता है सिग्नेचर पार्क। और फिलहाल बहुत सारा काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, इवन गेट भी। श्रीराम स्कूल से जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हार्डली 100 मीटर के आसपास एक और टाउनशिप पड़ती है, नाम है इसका दिव्य रॉक आइसलैंड। तो ये इस एरिया में मुझे यहाँ पर मकान कुछ बने हुए दिखे थे दूर से, तो सोचा चलो इसको भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर कर लिया जाए। और इस टाउनशिप का नाम है दिव्य रॉक, यहाँ मकान बने हुए हैं, देखते हैं यहाँ यदि कोई मकान वगैरह कुछ ऐसा मिलता है तो मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा उसको भी। और ये इस टाउनशिप का सेकेंड ब्लॉक है, बी ब्लॉक ये है, और यहाँ पर भी हमको 1050 देखने को मिल रहे हैं। ये एरिया की काफ़ी बड़ी टाउनशिप है ये, और ठीक ठाक है। और रेट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रेट हमको यहाँ पर 1200 से 1300 रुपए तक का देखने को मिल रहा है। और मकान यहाँ पर आपको रो हाउसेस यहाँ पर अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं है, और जो भी मकान है वहाँ पर ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो ऐसे रो हाउसेस टाइप के ऐसे कुछ बने हुए नहीं दिखे हैं। पर हाँ यदि हम कोई चाहें हमारे लिए 1050 यहाँ पर प्लान करना, तो वो आपको यहाँ पर भी 16-17 लाख तक का मिल सकता है आसानी से। और ये एक छोटा सा यहाँ पर नाला है, वैसे ये बरसाती नाला है ये, तो नाले की जो ये है नाला, उसके उधर की साइड बी ब्लॉक है और इधर की साइड में ये ए ब्लॉक है। और ए ब्लॉक में मकान थोड़े से कम बने हुए दिखे हैं मुझे, हो सकता है रेट
थोड़ा टाइट हो, टाइट या फिर ये हो सकता है, बोल सकते हैं कि 100-200 रुपए का बर्फ होगा यहाँ पे। और बी ब्लॉक में मकान ज़्यादा बने हुए हैं और सबके साइज़ जो हैं वो 10-50 की है, और ए ब्लॉक में 10-50 कम देखने को मिल रहे हैं मुझे। ये जैसे सामने एक दो यूनिट बनी हुई है, तो इसी एक दो हैं। और ये सामने आप देख पा रहे हैं, शायद कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हो या नहीं, पर ये जो है इधर उज्जैन रोड है और मैं इसके एकदम अब पैरेलल जा रहा हूँ, और इधर इनर अब मैं चलूँगा। यहाँ पर भी कुछ टाउनशिप्स हैं। तो उधर है, इधर की साइड में उज्जैन रोड है, और अब मैं रोड पर नहीं गया हूँ, और ये जो टाउनशिप अभी हमने जो देखी थी इसके पैरेलल ही जा रहा हूँ मैं। और दो तीन टाउनशिप और भी हैं आगे, उनका जो रास्ता जो है वो आपको हाईवे से मिलेगा, पर मैं ये इधर कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ। और यहीं पर है कुछ 3-4 टाउनशिप, मैं और भी कवर करूँगा। यहाँ पर एक प्रगति पार्क है और एक कान्हा विहार है, लोकेशन देखी थी 3-4 टाउनशिप्स की। तो देखते हैं ये रोड कैसा है और कहाँ तक जाता है।